के पास सैनिटी कार्ड रहते अंदर है, हमें नहीं। मैं मौत नु गल ला के बैठा शाम दी लग सुबह तक कलंदरी खेडी। तो तुसी थकदे नहीं? भाई मेरा झूठा है। अच्छा ओने कर दिया कार्ड नहीं है, शनासी कार्ड होए ना फिर उस जगह मिल जाती है। कश्मीरों टूट के इत्थों आया पैदल पैरों काबल ही नहीं दुनिया नु छड्या के किसे दे काम आ सकीए। आपका मेजबान वाजिद अली बलोच। नाजरीन ने ग्रामी इस वक्त हम दाता दरबार के बाहर खड़े हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने पनाह गाहें भी बनाई हैं। यहाँ पर मलंग औरतें मर्द बच्ची बच्चे सोए होते हैं। तमाम तर तफसीलात जानते हैं ये बुजुर्ग सर्दी में क्यों बैठे हुए हैं और इनको अंदर क्यों नहीं आने दिया गया और ये क्यों यहाँ पर लेटे हुए। यहाँ पर पेशाब की भी बदबू है, स्मेल भी है, पान सिकटें थूकें वगैरह वगैरह स्मेल आलूदगी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। अंतर तफसीलात इन अंकल जी से जानते हैं ये बुजुर्ग पनाह गाह के बाहर क्यों बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है तुम्हारा बुजुर्गो? तुसी सर्दी दे विच क्यों बैठे हो? अपना पास इधर उधर अपना दुकान के काम करता हूँ, इधर भी स्टैंड पे गाड़ी खड़ा उनके साथ बैठा हूँ। नहीं वजीर आजम इमरान खान साहब ने इतनी अच्छा काम किया है, उन्होंने पनाह गाह बनाई है, आप उधर क्यों नहीं जाते सोने के लिए? नहीं उनके पास सैनिटी कार्ड वो रहते अंदर है, हमें नहीं देते। शनाख्ती कार्ड नहीं है आपका? नहीं। आप कहाँ के रिहायशी हैं? रिहायशी इधर का ही। आपको अंदर क्यों नहीं सोने दे रहे? नहीं अंदर मैं नहीं जानते, इधर बाहर रहते। नहीं ऐसी वजूहत क्या है? मसला कोई नहीं, वैसे अपना ड्यूटी कर रहे हैं बैठा हुआ है। कोई घर में झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है क्या? आप इधर लड़ाई नहीं हुई। आप इधर अंकल क्यों सोए हुए हैं? आज हम पूछ रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कितनी हालात ख़राब हैं, बच्चों के साथ रेप केसेस भी हो रहे हैं, बच्चे किडनैप भी हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं पेरेंट्स वगैरह को। हम इसलिए लोगों की तस्दीक कर रहे हैं, हमें पता चले ये हमारे पाकिस्तानी हैं, जासूस हैं, कौन लोग हैं? हम पाकिस्तानी हैं तो हम इधर बैठे हैं, तो इधर बहुत सालों से इधर बैठे हैं। तो बात की सीनत बने होते हैं ये बेचारे, घरों से भाग के जो आते हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, आज उनको यही दिन देखने पड़ते हैं जो एक बुज़ुर्ग यहाँ पर अभी हमें मिले हैं। नाज़रीन अपने वालदैन के फरमा बरदार बने, अपने वालदैन की दुआएं लें और उनकी खिदमत करें। अभी आपको लाहौर की सड़कें, लाहौर की फोटोपार्ट अभी बाकी हैं, वो दिखाते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते रहें। एक और बुज़ुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं लेकिन इनको होश नहीं है कि खुदा ना ख्वास्ता इनको कोई एक्सीडेंट पेश आ जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, कौन ज़िम्मेदार होगा? कहेंगे हुकूमत ज़िम्मेदार है, लेकिन हुकूमत ने पनाह गाहें बनाई हुई हैं। इनसे भी जानते हैं ये बुज़ुर्ग क्यों आधी रात हो चुकी है कि ये सड़क पर बैठे हुए रोड के सेंटर में। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, तुसी क्यों बैठे हो, क्यों मुश्किलात का तुहानू सामना करना पड़ गया है? देखो तुहानू पता है पूरे पाकिस्तान दे मसले हाल मीडिया करदा है। कोई नहीं कर सकता, दुनिया दी कोई ताकत नहीं कर सकती, ऐसा माई दा लाल कोई नहीं जिहड़ा मसले हल करे साडे। फ्लाई रब तो तुहानू की मसला है? मैं करना वा, मैनू बेटा समझो अपना। मैं आख्या ना नहीं कर सकता तू। चलो बुजुर्गो थोड़ा जा आईडिया, कभी भी नहीं कर सकता। देखो तानू पूरा पाकिस्तान देख रहा है, मैं नहीं कर सकता, कोई हजूर दा आशिक रसूल आशिक गुलाम कर लेगा। तुसी आर्डर लाओ बुजुर्गो, की मसला है? तू गल कीती है ना इत्थे अल्लाह दी मेहरबानी नाल दी कमी कोई नहीं। जी जी यह धरती आशिक रसूलां दी है, बेशक तैनू कुछ नहीं हो सकता। बेशक जी बेशक, सारी दुनिया रल जावे ना झंडा साडा ही लगना जी, पूरी दुनिया ते जी जी झंडा इस्लाम दा ही लगना जी जी, बिल्कुल दी मेहरबानी दे नाल, बिल्कुल बिल्कुल सारी दुनिया नु फतह करांगे। पहले भी ते असी चार कौमां नु फतह कीता कि नहीं, जदों पार्टीशन बनी है जी जी, हिंदू हसाई। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप रोड के दरमियान में बैठे हैं, बैठे हैं आप अंकल ठीक है, वो जो करते हैं आप करें, हमें उससे कोई हमें टेंशन नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ आपके साथ कोई हादसा ना पेश आए, कोई गल नहीं, बुजुर्ग हैं आप हमारे। देखे मैं मौत नु गल ला के बैठा है, हमारी इस्लामी किताबें हमें अदब सिखाती हैं, मैं आपको एक अदब के लिहाज से कह रहा हूँ। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ बुजुर्गों यहाँ से साइड पे हो जाए, ज्यादा बेहतर है।
नहीं क्यों कोई हादसा पेश आ जाए, आप बुजुर्ग हैं, आप माजूर हैं, ये आपकी बिसाखियां नजर आ रही है। मैंने जिंदगी नाल कोई प्यार नहीं शुरू तो ही। चले वो आप कह रहे थे कि मेरा वो मसला आप नहीं हल कर सकेंगे, चलो मैं नहीं कर सकूंगा, इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के नौजवान कर लेंगे। अभी आप में आपने अपना नंबर भी बताना है जिसके ऊपर जैस कैश बनी हो। ऐस काबल ही नहीं दुनिया नु छड़या कि किसी दे काम आ सकिए। लादन मैंने फाइल लाना लेते नहीं नहीं कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ये हमारी गारंटी है। छड़या दुनिया नु ओ ते साल है जोगे नहीं बेचारे हैगे, किसी दी मदद की करन गए। बच्चियां दी फीसा जी, उन्हें कपड़े जुत्ती ब्याह शादी जीना मरना नहीं कर सकते, उधार चुके जाते हैं लोग। मैं तो लुहान लवान लोग यार फोतगी हो गई है तो मेरे को तो किराया भी नहीं है जान का, दो चार पाँच हज़ार रुपया दे आवागा तो तंदे देंगे। यह हालात ने कौम दे किसी के काम की आएगी कौम। अच्छा यानी कि आपके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं? मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, मेरे बच्चे है ही नहीं, मैं शादी नहीं कराई, मैं अगले की जिंदगी रोल लगा दे वक्त। अच्छा कोई जॉब वगैरह भी की है? हाँ बड़े काम किए ने, मसलन अपनी जिंदगी मैं टेलर मास्टर हाँ, पेंट कोट का कारीगर हाँ, मार होटलों में काम किया, मैं शहरदार हाँ। चले चले अपना कोई नंबर है, जैस कैश नंबर है? ये कि मैं शहरदार हाँ। आपका नंबर है कोई जैस कैश? नहीं नहीं कोई नंबर। चले कोई बात नहीं, हमें इजाजत, आप ही नंबर। चले शुक्रिया। नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी भाई सोए हुए हैं और ये भी बुजुर्ग सोए हुए हैं, पता नहीं इनके पास आईडी कार्ड है नहीं है, कहाँ से आए हैं बेचारे। हमारा काम ये नहीं कि किसी को तकलीफ़ देना या किसी को परेशान करना जाके, हमारा काम है उनकी तस्दीक करना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने पनाह गाहें बनाई हैं, वहाँ पर लंगर चल रहे हैं, फ़िल्टर के पानी चल रहे हैं, हम अभी विज़िट भी करके हैं, तो लिहाजा इनसे बातचीत करते हैं। ये क्यों नहीं जाते वहाँ पर, अगर हकीकत में ये मुसाफिर हैं, हकीकत में हकदार हैं ये लोग, वहाँ पर क्यों नहीं जाते? आइए नाज़रीन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल? खैरियत से हैं? तबीयत सेहत का सुनाएं। हाँ जी सेहत, तबीयत सेहत का सुनाएं। सेहत ठीक है, तबीयत सही है। परेशान ना हो, हम कोई नुकसान पहुंचाने नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पनाह गाहें बनाई हैं, वहाँ पे लंगर भी चल रहे हैं, खाने भी चल रहे हैं। हाँ जी। आप वहाँ क्यों नहीं तशरीफ लेकर जाते हैं? लंगर पानी कर लिया है, ठीक है, सोने का आराम करने का टाइम हो गया, इधर आ गया, खाना पीना खा रहा है। नहीं इतनी सर्दी है, चलता रोड है, कोई गाड़ी लग जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि जो पनाह गए हैं आपको उधर जाना चाहिए, इधर क्यों सोए हुए हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? सर मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो आईडी कार्ड नहीं है, शनाख्ती कार्ड हो ना फिर उस जगह मिल जाती है। जिसके पास पूछता हूँ कि आप मुसाफिर खाने क्यों नहीं गए, वो कहता है मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। शनाख्ती कार्ड कहाँ है आपके? तो शनाख्ती कार्ड बने ही नहीं है, लाए कहाँ से? बना ही नहीं है? नहीं बने ही नहीं। पाकिस्तानी है? हाँ जी पाकिस्तानी है, तो फिर शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बना? शनाख्ती कार्ड जाएंगे सरकारी सरकार में तो फिर ही है ना। नहीं शनाख्ती कार्ड आपको बनवा दूँ? हाँ। सुबह जितने भी बंदे होना इकट्ठे होना है 4 बजे। अच्छा। मैं आऊँगा। अच्छा। आप सामने शिमला पहाड़ी की तरफ आना है। बहुत ठीक ठीक है। हाँ जरूर आवाँगे। हाँ शिमला पहाड़ी तो। काम क्या करते हैं? काम तो जी बस इतने ज़्यादा साल से इतने बैठे रहने। पीछे कहाँ के रहने वाले हैं? फैसलाबाद। फैसला इधर कैसे पहुँचे? इधर दादा हजूर से सलाम करना आया, इतने आगे रहना। नहीं औलाद ने तशद्दुद किया, बीवी ने भगा दिया, बीवी से तलाक लेकर आ गए हैं? नहीं बीवी से कोई नहीं है ना, बीवी है ना। शादी नहीं की? नहीं कोई शादी नहीं। चले जी बहुत शुक्रिया, आप आराम फरमाए। करना नहीं नहीं सलाम किता तू सलाम करने पे? सलाम है किता हूँ तस्वीर बनाना पे ओरी गल कर। सलाम हजूर दा सलाम है और किंदा है? हां कुछ की दी है? की दी है तुसी दसो? हजूर दी अली दी। ठीक है तुसी किंदे हो? जोदे नचने पे कलमे वाले। ठीक है कितनी घंटे नाचदे हो रोज? सच्ची दसना शाम दे लाके सुबह तक कलंदरी खेड़ी। तो तुसी थकदे नहीं? क्यों नहीं थकना, जने दा काम ते नहीं थकना, घोड़ा ते जाना ते। दिहाड़ी दूड़ी भी चंगी लगदी है कि नहीं? फिर केड़ी खिदमत? नहीं बाबा जी मैं गुजर हूं गुजरात दा, शक ना रखी। अच्छा नहीं नहीं मैं मंगदा ही नहीं दे, की करना मैं चौधरी हां। नहीं लेते? अच्छा पैसे नहीं लेंदे? अच्छा क्यों ले? कितने साल तो ड्यूटी दे रहे हो? मैं 12 साल उगन मंजिल करते हां इथे लोरी दाता साहब। हां नहीं कश्मीरो टोड़ के अथवा आया पैदल पैरन दीवाना। देखे नाजरीन पैदल चल के आए बाबा।
बाबा जी पैदल एक मरतबा क्लैप होने चाहिए बाबा जी के लिए, तालियां तालियां। पैसा नहीं बढ़िया, ठीक है शक, ठीक है। संताली बलोच आर्मी दा, अगर अभी आपको मैं इनसे लेकर दे दूं वो रख लेंगे? नहीं मैं कहूं को जा, मैं दुआ लेने पता है, पता क्यों कह रहे हैं? नहीं लेने, तुसी बूट नहीं पाए ठंडे चे गयो। हां मैं 11 साल होकर ने टूट दिया, मनु नहीं ठंड लगी तो नु लगदी केड़ा कलमा नहीं। फिर थोड़ा जा सानू डांस दिखा रहे हो? तमाल तमाल मेरा मतलब है। नहीं नहीं रोना नहीं है, अंत खेड़ आओ दी इश्क दी खेड़ नु नहीं छेड़ी। उम्र कितनी हो गई है? कुछ 56 साल हो गई। 56 साल हो गई है ते माशाल्लाह इथे हलवे शलवे दाल वाला खिदमत, दाल सिर्फ दाल, लून मर्च दी मौला दी कसम है, कसम है रब दी, मौला दी कसम है। अंज कितनी दालां दी प्लेटां खादियां नी अज, सच सच दसी मीडिया नु। एक बारी खाना 24 घंटे बाद एक बार रोटी खाना नी, एक बारी खाला वान श्री बल्कि पिंड है तहसील जिले की रात आखरी उठों कड़िया वाला लाला मुसा फिर के आंदा रहे। देखे जी ये बाबा जी पैसे नहीं मांगते किसी से, हाथ नहीं फैलाते, इन्होंने कहा मैं मुझे मेरा इश्क लेकर आता है, कोई इश्क का शेर ही सुना दे। नहीं दाता हजूर के बाबा जी एक मिनट खलो जो कलमा तैयब तो सुना दे। मैं यासीन पढ़ना, तुम अखिया बाजार ना कर, मैं एक कलमा ड्यूटी थी यार, ओदी ड्यूटी है यार, तक रात दिन यार अव्वल कलमा 6 कलमे पुत्र मैं आर्क जानना, मैं तन्नू आखना यार, मैं जबर नु जानना नान छेड़, जेर जबर नु जानना, तू पढ़ी नहीं है मैंने, यानी तू दीन दुनिया दा हल बता छड़, मैं मनना की दसा दीन केड़ी है दुनिया केड़ी है, दीन केड़ी है दुनिया केड़ी है, आते है नान छेड़ तू मजमा ना ला, तन्नू आखा दीन ते दुनिया दी लड़ाई है। अच्छा एक आख दीन दी है कि दुनिया दी, दो दस। अच्छा मैंने जुर्म कर दिया आपसे, जुर्म की मैं तन्नू दसना पिया, मैं और से ड्यूटी दिया, तन्नू आखे ते ना छेड़। चले ठीक है ठीक है, जाने सुना दे ए ड्यूटी। अच्छा एक जाने फिर कलमा सुना दे यार, मैं आना मेरे ठीक है यार, काई का अपना के करना नान छेड़। नाज़रीन संताली बलोई दा फिट फार, ठीक है कुरान पाक पढ़े आ, यासीन जुबानी आंदी हर छ खेड़ है मेरे को कुरानी ना, ठीक है ठीक है ठीक है, जुबानी सुनाना नहीं कलमा सुना दे। मैं तन्नू आना पे जुबानी आ सारे, यासीन 5 रकू की है बाबा जी, आना 7 सात सात में भी ना के करना नान करया कर। 5 रकू की सूरह यासीन है। आप ये 47 साल हो गए कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर दमाल डालता हूँ, दमाल फर्ज नहीं है नाजरीन, कह रहे हैं दीन और दुनिया क्या है, मुझे कह रहे हैं दीन की जब मैंने बात की कल मैं तैयब की तो बाबा जी नाराज़ हो गए और मुझे ऐसे कर रहे थे कि मेरे से ये डर जाए भाग जाए बच्चा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी पूरा कोर्स किया हुआ है। नाजरीन आगे चलते हैं, काफ़ी सारे मलंग बैठे हैं, उन लोगों से जानते हैं कि ये पर यहाँ पर क्यों यहाँ पर रह रहे हैं और हुकूमत पंजाब ने इनको कितनी यहाँ पर सहूलतें प्रोवाइड की हैं, लेकिन ये मुसाफिर खानों में सोते नहीं हैं, हिदायत पर अमल नहीं करते, रोज़ाना रोडों पर हादसात होते हैं, कभी अखबार पर, कभी न्यूज़ पर, कभी टीवी चैनल पर, कभी सोशल मीडिया पर आप देखते हैं। क्या हाल है? किदा हाल है? ते किवे किवे इत्थे पहुंचे हो? बस दरबार ते आए हैं। दरबार ते? दरबार ते आए हो? हां ते घर जाओ, अद्धी रात हो गई है, उन्हे पैदल पड़े आए न, कोई टोपी छोपी पाओ, कोई जर्सी पाओ, इन्हू सिर ते पाओ ना ठंड हैगी है। अच्छा जी पैसे पूसे असि नहीं खोंदे ताड़े ताड़े पैसे ने। अच्छा जी तुसी मुसाफिर खाने क्यों नहीं गए सोन वास्ते? नहीं मुसाफिर आने की तो सोन ले ऐसे होते खोंदे दुपार दे नाल। नहीं मुसाफिर खाने बाजी क्यों नहीं जाते? माँ जी नहीं जी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? बस इतने सोंदे हो? हाँ जी यही कारोबार है बस। हाँ जी मंगते हो? हाँ जी खाना कितों खाते हो? खाना बस दाता साहब हो? हाँ जी खाना भी दाता साहब हो, मांगते भी दाता साहब दे। कितने साल हो गए ना दाता साहब बैठे? काफी साल हो गए। 30 साल? हाँ 30 साल हो गए नाजरीन दाता साहब बैठी हुई है। कुछ बताना चाहे, औलाद ने निकाल दिया घर से क्या? हाँ जी। क्यों औलाद ने कटे है? बस नहीं औलाद नहीं पाने ने पाने टूट रहा है। अच्छा उन्होंने कट दिया। ये पाए कह रही है, पाए कहते हैं सराकी में बंदे को, यानी कि इनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया। अच्छा जी तो दूसरी शादी कर ली? क्यों की है दूसरी शादी? बस और मर्जी थी। दूसरी शादी करने के बाद आप इधर आ गई हैं? हाँ जी। नाम मालूम
अफराद भी यहाँ पर ज्यादा भी करते हैं, बच्चों के साथ कभी आप लोगों के साथ ऐसा वकुआ पेश आया है? तेरी इंतजामी है और तुम कुछ खाना खुना सब कुछ दें दिए? हाँ जी। तो हम घर नहीं जाना? नहीं। क्यों? पिंड के पिंड भी लोर ही है। लोर के जगह थे? ठंड नहीं लगती? रजाई नहीं है? कोई कंबल नहीं है? किथे वे? चलो ठीक है जी, तुहाडी बड़ी हिम्मत है, इतना वड्डा तुसी सानू इंटरव्यू दे दित्ता है, अल्लाह तुहाडे ते करम करे। आपके मामू है इधर है, एक मरतबा पढ़े और खुद ही बताएं ये कब गुम हुए और कैसे गुम हुए? ये जुमे रात को लियाकत चौक में घर है, जुमे रात को उधर से लापता हुए थे, दिमाग तवाजन थोड़ा सा कमजोर है, दवाई खाते थे तो इनके साथ सही रहते। उम्र कितनी है? उम्र इनकी यही 40-45 साल। कैसे गुम हुए हैं? यही रास्ता जरा भटक गया है आगे पीछे। नाम क्या है? मुनीर मोहम्मद। मुनीर मोहम्मद जुमेरात वाले दिन से लापता है, ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं, हाँ जी, बोल नहीं सकता। आप ये तो बताए कि गूंगे भी हैं? गूंगे नहीं है, बस अपने अपने लोगों से बोलते हैं, बाहर के लोगों से। फोन नंबर भी बताएं जरा। फोन नंबर ये 0309-85-808 एक ये है, एक ये है 0302-55-41-836। और कोई इनाम वगैरह भी बताओ ना। 50,000 रुपए इनाम है। और कौन से नंबर पे रابطہ करें? ये दो नंबर लिखे हैं 0302। जिस भाई को मिले लापता है, उनके बेटियां हैं, नौ बेटियां। हाँ जी, दिमागी तवाज़न पहले कम सही था, अब जरा कमजोर। किधर के रहने वाले भाई? हम लियाकत चौक के रहने वाले, लियाकत चौक, उधर जिधर से मर्जी जाना। एक और दुखी नाजरीन फैमिली हमें मिली है जिन्होंने ये पम्फलेट हमें दिखाया है, बहुत परेशान है व्यूअर्स। अगर ये शख्स, ये बाबा जी अगर आप किसी को भी नजर आए तो प्लीज काइंडली गुजारिश है आप लोगों से इस नंबर पर जरूर रब्ता रखिएगा।